अम्मी आप क्यों झाड़ू लगा रही हैं? आपको कितनी दफा मना करूं? बाबा कहाँ हैं? ऑफिस चले गए? रोज नाश्ते पे तुम्हारा इंतजार करते हैं। अच्छा मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, ये आके करती हूँ मैं। डिग्री मैंने अपनी अप्लाई करनी है। सुनो, तुम ठीक हो? जी अम्मी बिल्कुल ठीक हूँ। अपनी आंखों को भी अपनी तरह झूठ बोलना सिखा दो। अनाया प्लीज मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो चाहे फैसला करो। अनाया बस एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। बोलो हसन। अनाया अपनी बात करने का मौका दो, इसे चलते चलते कैसे करेंगे बात? जो कहना है कहो। अनाया प्लीज एक बार बात सुन लो। बोलो। कहीं बैठकर बात करते हैं। क्या हम दोनों सिर्फ शौक के साथी थे? पहली आजमाइश में ताल्लुक तोड़ दिया, मेरा नहीं सोचा। मैंने जो कुछ भी किया है सोच समझ के किया है। खाक सोचा है ना, क्या मुस्तकबिल होगा हमारा? हम एक ही शहर में रहेंगे लेकिन दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, दूसरे को देख सकेंगे लेकिन किसी और के साथ। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख पाऊंगा। जरूरी नहीं है कि इंसान जो चाहे उसे वो मिल जाए। तुम जरूरी हो ना, तुम ना रही तो जाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। हसन तुम मुझे भूल जाओ। ठीक है, गलती मेरी है, सजा भी मुझे मिलना चाहिए। मैं खुद को ऐसी सजा दूंगा कि तुम मुझे देखकर कहां पटोगे। तुम्हारी गलती नहीं है। मेरी गलती नहीं है तो मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हो? क्यों हसन? देखो ये सिचुएशन पहले ही मेरे लिए बहुत मुश्किल है, प्लीज इसे और मुश्किल मत बनाओ। जो भी हो रहा है उसे कुदरत का फैसला समझकर कबूल कर लो। ये कुदरत का फैसला नहीं हो सकता, कुदरत तो इंसान से 70 माह जितना प्यार करती है, वो अपनी मखलूक की खुशी नहीं छीन सकती। कुदरत मोहब्बत बांटने का नाम, ये तो हम इंसान है जो मोहब्बत में जहर भरते। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। तुम खुद को मेरी जगह रख के क्यों नहीं सोचते? काश मैं तुम्हारी जगह होता ना, तुमसे कभी अलग ना होता, चाहे कयामत आ जाती। मैं इतनी बड़ी सजा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें किसी और के साथ देखूंगा तो मैं मर जाऊंगा। कोई किसी के लिए नहीं मरता लेकिन मैं मर जाऊंगा। अरे दूसरों की कोताहियों की सजा हम दोनों को नहीं दो।
हाथ से मेरी जिंदगी लीजिए। अच्छा सॉरी सॉरी, मैं तुम्हारे साथ हूं। रो क्यों रहे हो? रोना मत करो।